वेल मुंबई में आपने बड़े बड़े फेस्टिवल अटेंड किए होंगे, गणपति होते हैं, नवरात्रि होती है, एक होता है गोविंदा फेस्टिवल, जिसमें हम लोग मटकी टांग के मटकी को फोड़ने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही टफ जॉब होता है भाई, मुंबई के लोग कैसे कर लेते हैं पता नहीं। तो बॉलीवुड के हिसाब से सोचा कि हम भी बड़े बड़े टफ काम करेंगे और मटकी फोड़ेंगे। अमित जी ने आयोजित की एक दही हांडी। अमित जी नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करता हूँ मटकी फोड़ कॉम्पिटिशन में। और सबसे पहले हमारे पास आया है नाना पाटेकर। और ये भैया मटकी तोड़िए, मैं मटकी तोड़ूंगा। मटकी क्या, मैं तो लोगों को सर्दी फोड़ूंगा, एक बार बस मौका मिल जाए आधे घंटा कौन सी मटकी बता भाई फोड़ता हूँ। जैसे मटकी की हाइट देखी, नहीं 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 नहीं, अबे मटकी तोड़ने लाया या हड्डी तोड़वाने, मैं नहीं फोड़ सकता है, तू खुद क्यों नहीं जाता ऊपर। देखिए भैया अगर मैं ऊपर चला गया और मटकी नहीं टूटी मेरी हड्डी टूट गई तो आई वैसे भी जो है मीडिया परेशान है, मेरे लिए न्यूज बना देगी मीडिया आ जाएगी। हाँ सही है, आज तक समझ में नहीं आया जो जुकाम भी होता है तो न्यूज बन जाती है, या तीन दिन से बवासीर है किसी ने नहीं पूछा है, कोई न्यूज नहीं बनती मेरी। आए बड़े न्यूज वाले, मैं नहीं तोड़ूंगा मटकी, ये भी निकल गए। इसके बाद अक्षय कुमार जी को बुलाया, अरे भैया अक्षय जी आप मटकी तोड़ेंगे? क्या बात है क्या बात है क्या बात है, अरे मटकी तो मैं यू तोड़ दूंगा यू, वैसे पैसे मिलेंगे जी अगर आपने मटकी तोड़ी आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। अरे इतने पैसे के लिए तो मैं किसी का सर भी फोड़ दूं, अरे कहाँ है मटकी? जैसी देखी मटकी, अरे बच्चे की जान लोगे क्या, अरे बाबू भैया मटकी मुझसे नहीं फूटेगी, मैं तो जा रहा हूँ भाड़ में जाओ तुम लोग, ये भी चले गए। इसके बाद सुनील शेट्टी आए, यह मटकी बात फोड़ दूंगा, यह मटकी बात फोड़ दूंगा, पहले तेरा बड़ा सा मुंह बनकर उसमें इतना बड़ा मटका आ जाएगा, मुंह बनकर सारे मच्छर अंदर जाके वलटूर करके वापस बाहर आ जाते हैं, आया बड़ा मटकी तोड़ने वाला है, चल मटकी तोड़ूंगा, या करो बैठ कर ढीचा करो, या बैठ कर ढीचा करो, नीचे कर रहे तो मटकी फोड़ दूंगा, चल। इसके बाद में राजपाल यादव आए, अरे नाना भैया मटकी तो हम तोड़ के दिखाएंगे चाचा, अरे अभी जाके तोड़ दे, पहले अपनी हाइट देख साले सुतली बन, इतना सा बन है बहुत धमाके की बात करता है, चल मटकी तोड़ने। इसके बाद जॉनी लीवर को बुलाया अमित जी ने, अरे भैया जॉनी जी बोलो बाबा क्या तोड़ना है, हड्डी तोड़ना, टांग तोड़ना, टांग तोड़ना, सबका सब तोड़ दूंगा ना। देखिए भैया आपको जो है ये मटकी तोड़ना है, ये जो है लंबी वाली बाबा, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे पिल्ले बीए साली है, पड़ोस की घरवाली है, मैं मटकी नहीं तोड़ सकता बाबा, मैं नहीं तोड़ सकता। अब सब लोग परेशान, मटकी टूट नहीं रही है, तो इन्होंने सनी देओल को बुलाया, अरे भैया सनी जी आप तोड़िए, तो सनी देओल ये मटकी मैं 2 मिनट में तोड़ दूंगा, ये 2.5 किलो का आते आएगा समझ में, किधर है मटकी? वो देखिए वो रही मटकी, जैसी मटकी को देखी, ओए नो इफ नो बट ओनली जट, ये 2.5 किलो का हाथ है, 2.5 किलोमीटर का नहीं, जो ऊपर करके मटकी तोड़ दूंगा, ये मटकी मैं नहीं तोड़ सकता, मैं क्या मेरे पापा भी नहीं तोड़ सकते। अब सब लोग परेशान, मटकी तोड़े तो तोड़े कैसे, ये लोग बाबू राव को पकड़ के ले आते, बाबू राव ये देव मस्त रे बाबा, रे मटकी तोड़ना मतलब एकदम मस्त काम, लेकिन मटकी की तरह बाबा, अरे वो रही जो है मटकी वो रही, पागल हो गया ये ना, ये इतना ऊपर मटकी मेरा बाप तोड़ेगा? तो नाना ने बोला तू मटकी तोड़ तेरे को खम्मा मैं लाके दूंगा, जा मटकी तोड़ खम्मा मैं लाके दूंगा। अब खम्भे के लालच में बाबूराव चढ़ गए ऊपर, और जैसे ही मटकी तोड़ने लगे सारे बॉलीवुड कलाकार नीचे से हट गए। अब ऊपर अकेले धोती पहन के बाबूराव, अब उसको ऊपर से नीचे उतारे कैसे, तो अचानक जॉनी लीवर आके बोलते बड़ा सिंपल का काम करता हूँ मैं, तू ऊपर से कूदना मैं तेरे को कैच कर लूंगा, अरे साले अगर कैच छोड़ा तो वो हमेशा के लिए आउट हो जाएगा, आया बड़ा कैच करने वाला है, कोई तो बचाओ। अब इनको बचाने के लिए मिथुन आते, तेरी जात का पैदा मारू तेरी, अरे तू नीचे कूद मैं तेरे को कैच करूंगा, ओए ओए ओए, ये एक और आया, साले एक जगह ठीक से खड़ा नहीं रह सकता उसको कैच करेगा तू, चल निकल यहां से, कौन से बचाओ कैसे बचाए उसको। अब इसको बचाने का तरीका बताने अजय देवगन आ जाते हैं एंड में, हाँ बैठो आप टोड़े लुटा कह रहे हो, फिर वही शायरी मारी तूने, सारी जिंदगी एक ही शायरी मार, कोई नई शायरी नहीं आती, क्या करो फेंकी डालो हिटे मेरा सारी जिंदगी भाई, इसलिए यही करता हो दादा भैया एक बात बोलता हो, इसको बचाने का एक ही तरीका है, एक बहुत बड़ा जाल लेके आओ, जाल बिछाओ, बुड्ढा ऊपर से नीचे कूदेगा, चाल के जब के कारण बच जाएगा, हाई बात समझ में, क्या बात है, कल ये अंदर भी दिमाग है, अरे भैया इसने बिल्कुल दिमाग वाली बात बोली है, अरे जल्दी से बाबा जाल लेके आओ, जल्दी मां कसम जाल मैं भी पकड़ूंगा, ओए बुड्ढे तू ऊपर से नीचे कूद तो कूदेगा जम के कारण बच जाएगा, ओए। अब जैसे ही परेश रावल ऊपर से नीचे कूदे जंप के कारण वापस बड़ी मटकी पे पहुंच गए, परेश रावल देव ये कौन सा तरीका बता रहा बाबा, अरे जंप के कारण मैं और ऊपर आ गया बाबा, कोई तो मेरे को बचा लो, कोई तो बचा लो। अब एंड में इनको बचाने के लिए इरफान खान आ जाते,
और इरफान खान बोलते, अरे क्या भैया है, अरे साले इतना लड़की के चक्कर में पड़ोगे बेटा, उसे ऊपर जाओगे। हमने तो पहले कहा था ऊपर जाने वाला आदमी तुम, इतना ऊपर जाओगे हमें नहीं पता था। अरे एक काम करो, एक जाल के ऊपर फेविकोल लगाओ, समझे, बुड्ढा ऊपर से नीचे कूदेगा, पिछवाड़ा चिपक जाएगा, ऊपर जाने की जरूरत नहीं आएगा, समझ में। अरे जो है इरफान जी जो है नेशनल अवार्ड विनर है, इन्होंने बिल्कुल सही तरीका बताया, तो जो है भैया फेविकोल लाइए, जल्दी से लगा दीजिए फेविकोल, सब लोगों को लगा फेविकोल लगा दो, सुनील शेट्टी फेविकोल लगा दो, नहीं उसकी जरूरत नहीं, तू मुंह खोल उसी में बैठ जाएगा, वो बंद कर मुंह, जब देखो तब मुंह खोल देता है, फेविकोल लगा दो। अब सब लोगों ने सोचा फेविकोल लगाने के बाद परेश रावल बच जाएंगे। परेश रावल ने बोला मेरे को लगा इरफान का आइडिया बराबर है बाबा, अभी मैं कूदता। जैसे ही परेश रावल कूदे, धोती चिपक गई, नंगे वापस ऊपर। थैंक यू, हंसने और हंसाने के लिए देखते रहिए एल ओ एल।